रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। उद्धव ने कहा है कि 22 जनवरी को वो नासिक के कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा है कि राष्ट्रपति को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। हम मतलब शिवसेना नासिक में जाएंगे और नासिक में कालाराम मंदिर जो है वहां जाकर प्रभु रामचंद्र सीतामाई का दर्शन करेंगे। ये जो कार्यक्रम है सिर्फ रामलला की पूजा नहीं है, अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो सिर्फ रामलला या सीतामाई की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, हमारे देश की अस्मिता की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और जैसे सोमनाथ मंदिर के बारे में हमने सब सुना है, पढ़ा है और गूगल पर भी है, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के तरफ अनुरोध से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। हम तो चाहते थे या चाहते हैं आज भी वैसे ही वहां अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा होना चाहिए।